हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस टमाटर आलू की सब्जी। टमाटर आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करने के बाद इसको छील लिए हैं और इस तरीके से छीलने के बाद आलू को फोड़ लेंगे। छोटे छोटे पीसों में इस तरीके से फोड़ लेंगे। और टमाटर आलू की चटपटी मसालेदार सब्जी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस, मैंने टमाटर को बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सारे टमाटर मेरे बॉईल हो चुके हैं। और टमाटर को क्या करेंगे, टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। आलू को छोटे छोटे पीसों में तोड़ लेंगे। ग्रीन वाली मटर मैंने लिया जो मैंने पानी में भिगो दी है। पानी में भिगोने से गाइस क्या रहता है, इसकी जो ठंडा ठंड रहती है, बर्फ जमी होती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने ग्रीन वाली को भिगो दिया है। और मैंने लिए हैं अदरक के पीसेस और हरी मिर्च, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर आलू की सब्जी बनाने के लिए कुकर रखेंगे। गैस को ऑन करेंगे। तेल डालेंगे कड़वा 1.5 चम्मच और इसको गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, उसमें डालेंगे हींग 1 चुटकी और इसमें डालेंगे जीरा, जीरा क्वांटिटी से 1/2 टीस्पून। जीरा गरम होने के बाद इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर 1.5 टीस्पून। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और जो टमाटर की ग्रेवी मैंने तैयार की थी वो ग्रेवी डाल देंगे। टमाटर अदरक की और इसको चलाएंगे। टमाटर की ग्रेवी डालने के बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। दो टीस्पून धनिया पाउडर 2 टीस्पून। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तीन टीस्पून धनिया पाउडर और गरम मसाला। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। इसको चलाएंगे और ग्रेवी आप देख रहे हैं इस तरीके से तैयार हो रही है। और इसमें डाल देंगे ग्रीन वैली। अब इसमें डालेंगे गाइस स्वाद अनुसार नमक 3 टीस्पून। मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। अब इसको चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। थोड़ी देर और इसको ढक्कन ढक देंगे, ग्रेवी को पका लेंगे। अब ग्रेवी गाइस अच्छे से पक चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी का कलर कितना अच्छा हो गया है, चेंज हो गया है। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आलू जो मैंने इस तरीके से तोड़ लिए हैं। सारे टमाटर में आलू डाल देंगे। इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी, थोड़े से गाढ़े बनाने हैं और गाढ़ा बनाने के लिए इस तरीके से इसको चलाएंगे। तो पानी की क्वांटिटी अभी कम है तो समथिंग 4 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो समथिंग इसमें मैंने 4 गिलास पानी ऐड किया है और टमाटर आलू परफेक्ट इस तरीके से बनते हैं। अब इसमें डालेंगे, अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसमें 1 सीटी के बाद इसको बंद कर देना है। तो मिलते हैं कुकर में 1 सीटी आ जाने के बाद। गाइस वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस चने की दाल और उड़द की दाल की कचौड़ी। तो गाइस चने की दाल उड़द की दाल मैंने धोकर पीस लिए और पीसने के बाद इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है पेस्ट। अब दाल को फ्राई करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए गाइस मैंने आटा लिया है। कचौड़ी के आटे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक 2-3 टीस्पून। मैंने नमक लिया है 2 टीस्पून। इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसका परफेक्ट डो तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टमाटर आलू परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इस तरीके से टमाटर आलू की परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं क्या मस्त सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो गाइस अगर आपको टमाटर आलू की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दाल फ्राई करने के लिए कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल 1 चमचा समथिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हींग
हींग की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है, आधा टीस्पून से थोड़ी कम हींग डालनी है, जीरा आधा टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, दो टीस्पून धनिया पाउडर, और इसमें डाल देंगे दाल, अब इसको इस तरीके से चलाएंगे, अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, दो टीस्पून सौंफ पाउडर, तीन टीस्पून समथिंग डाला है, दाल इस तरीके से फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरा मिर्चा और धनिया। इस तरीके से आप गैस देख सकते हैं कि दाल फ्राई हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देंगे। आटा जो है कचौड़ी का इस तरीके से परफेक्ट तैयार हो चुका है, ये फ्राई दाल। इस तरीके से लोई ले लेंगे और इसके अंदर दाल रखेंगे और इस तरीके से परफेक्ट कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको बेल लेंगे। तो गाइस इस तरीके से कचौड़ी बना लेंगे, इस तरीके से परफेक्ट कचौड़ी बन चुकी है। अब ये डालेंगे और इसको सेक लेंगे। तो आप गाइस देख सकते हैं किस तरीके से फूल चुकी है कचौड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं कचौड़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है और इस तरीके से आप कचौड़ी बना सकते हैं। और कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गाइस वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस चने की दाल और उड़द की दाल की कचौड़ी। तो गाइस चने की दाल उड़द की दाल मैंने धोकर पीस ली है और पीसने के बाद इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है पेस्ट। अब दाल को फ्राई करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए गाइस मैंने आटा लिया है। कचौड़ी के आटे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, दो तीन टीस्पून मैंने नमक लिया है, दो टीस्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसका परफेक्ट डो तैयार कर लेंगे। दाल फ्राई करने के लिए कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, एक चम्मच समथिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हींग। हींग की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है, आधा टीस्पून से थोड़ी कम हींग डालनी है, जीरा आधा टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, दो टीस्पून धनिया पाउडर, और इसमें डाल देंगे दाल, अब इसको इस तरीके से चलाएंगे, अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, दो टीस्पून सौंफ पाउडर, तीन टीस्पून समथिंग डाला है। दाल इस तरीके से फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरा मिर्चा और धनिया। इस तरीके से आप गैस देख सकते हैं कि दाल फ्राई हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देंगे। आटा जो है कचौड़ी का इस तरीके से परफेक्ट तैयार हो चुका है, ये फ्राई दाल। इस तरीके से लोई ले लेंगे और इसके अंदर दाल रखेंगे और इस तरीके से परफेक्ट कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको बेल लेंगे। तो गाइस इस तरीके से कचौड़ी बना लेंगे, इस तरीके से परफेक्ट कचौड़ी बन चुकी है। अब ये डालेंगे और इसको सेक लेंगे। तो आप गाइस देख सकते हैं किस तरीके से फूल चुकी है कचौड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं कचौड़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है और इस तरीके से आप कचौड़ी बना सकते हैं। और कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।